नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। होडल के गांव भिड़की में आप पार्टी के करण डागर द्वारा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जय हिंद के पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर नवीन जय हिंद ने बीजेपी, कांग्रेस व इनेलो पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले चुनाव में मोदी की हवा को दिल्ली में रोका था और मोदी के घोड़े को गधा बनाकर भेजा। वहीं बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ पर चुटकी लेते हुए कहा कि चुनाव में धनखड़ ने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही एक भी कुंवारा नहीं रहेगा, सभी का विवाह कराऊं। वहीं मनोहर लाल खट्टर को नकली गौ भगत बताया। जनता को नए विकल्प में आप पार्टी ही दिखाई दे रही है। हम पंजाब विपक्ष में हैं और दो बार दिल्ली में सरकार बना चुके हैं। अब हरियाणा में लोग दूसरी पार्टियों से तंग आ चुके हैं। जय हिंद ने कहा कि कांग्रेस व बीजेपी व इनेलो को उखाड़ने के लिए इन तीनों पार्टियों को छोड़कर जिसके साथ हमारे विचार मिलेंगे गठबंधन करने को तैयार हैं। जिंद के चुनाव को लेकर कहा कि सभी दलों के नेता अपनी ही पार्टी के नेता के अंदर खाने में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस व बीजेपी पर हमला करते हुए टोल टैक्स के नाम पर कांग्रेस व बीजेपी हफ्ता वसूल रही है। हमारी सरकार आने पर अवैध टोल वसूली को हटाया जाएगा और दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में विकास किया जाएगा। नकली गो भक्त है खट्टर साहब, 40 पैसे एक गाय को देते हैं। असली गो भक्त है अरविंद केजरीवाल, एक गाय को एक दिन के 40 रुपए देते हैं। सीबीआई से तंग आ चुके हैं और हरियाणा एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में और आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है जिस तरह दिल्ली में काम किया गया है उससे लोग प्रभावित हैं और लोग मानते हैं। भाई साहब एक बात बताओ, पांच साल पुरानी पार्टी है, दो बार दिल्ली में सरकार बना ली, 67 सीट आई थी 70 में, पंजाब के अंदर विपक्ष में पहली बार चुनाव लड़ा था। तो उसी तरह हरियाणा के लोग भी तो तंग आ रहे हैं भाई साहब, बिजली आती ना, महंगी है, पानी ना, सुरक्षा ना, महिला सुरक्षा ना। सीबीआई को उखाड़ कर फेंकने के लिए किसी भी व्यक्ति संगठन से खुले दिल से खुले मन से बात करें। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।